चलो नीचे चल के देखते हैं। यार ये कितना नीचे है, क्या ये इन्फिनाइट कुआं है क्या? पता नहीं नीचे क्या है। ओ माय गॉड गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट 2। यस ये माइनक्राफ्ट 2 है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो गाइज माइनक्राफ्ट 2 बेसिकली एक मॉड है जहाँ पे नए नए डिफरेंट बायोम्स हैं, नए नए मॉब्स हैं, नए नए ड्रैगन्स हैं एंड और भी बहुत कुछ है। तो तुम लोगों को तो इसका पार्ट 1 बहुत पसंद आया, उस पे 100K लाइक्स हो भी गए। अच्छा ठीक है, हो ही गया ऑलमोस्ट, भरोसा है मुझे तुम लोगों पे। एंड इस वीडियो पे भी दबा के लाइक्स मार देना एंड चलो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो पिछली बार मैं भटकते भटकते आ चुका था इस विलेज में एंड आज मुझे उसे एक्सप्लोर करना है। देखो उसके स्ट्रक्चर में ही खजाना लिखा हुआ है, चलो उसे लूटते हैं। ऑलरेडी मैंने सारा स्टोन टूल्स बना लिया, तो आज उन सभी का टकला इस स्टोन स्वॉर्ड से ही फोड़ा जाएगा। अरे यार कहीं पोपट ना हो जाए, रुक जाओ गाइस, मैंने पिछली बार शायद इस विलेज को एक्सप्लोर नहीं किया था। अरे हाँ पिछली बार तो मैं इस विलेज को लूटना भूल ही गया था, पहले इसे लूटने दो मुझे, कुछ ना कुछ तो अच्छा खजाना मिलेगा। ये देखो यहाँ पे चेस्ट है, अरे लेदर आर्मर है, चलो रख लेता हूँ। वैसे इसकी जरूरत तो है नहीं मुझे, मेरे पास ये सब है, पता नहीं कौन बेटर है, दोनों सेम लेवल के हैं, तो लेदर आर्मर से कुछ फायदा नहीं होने वाला। रुक जाओ और भी चीजें ढूंढता हूँ। ये देखो यहाँ पे चेस्ट है, इस चेस्ट में ओके भाई गोल्डन स्वॉर्ड है, इतने सारे आयरन नगेट हैं, एक इंचेंटेड गोल्डन बूट्स भी हैं। अरे भाई ये हुई ना बात, इसे कहते हैं खजाना। तो देखने दो डैमेज किसका ज्यादा है, गोल्डन स्वॉर्ड का या फिर अरे स्टोन स्वॉर्ड का ही डैमेज ज्यादा है। कोई बात नहीं, डुअल वील्डिंग करूंगा मैं, दोनों तलवार से उनका टकला फोड़ा जाएगा। तो अब बस मुझे थोड़ा सा कुछ और लूटना है। ओहो ये देखो गाइज, इसे हम लोग विलेज गार्ड बुलाते हैं, ये सभी इस विलेज को प्रोटेक्ट करते हैं। भाई साहब थोड़ा मुझे अपना शील्ड दोगे आप? अरे झूठा कहीं का, हाँ बोल के भाग रहा है, दो ना शील्ड दो ना। ना मुझे नहीं लगता ये शील्ड देने वाले हैं। एंड ये देखो भाई ये क्या है, अरे नाम तो पढ़ने दो। अच्छा ये फ्लाई है, ठीक है मक्खी लोगों से मैं बात नहीं करता। तो और तो इधर कहीं पे मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। ओ इधर हिडन इंट्रेंस है एंड इधर ये कौन है, लुसिंडा। हेलो भैया आपके पास क्या है? अरे एमरल्ड ये सब तो है नहीं, तो देखना भी बेकार है। ओ इधर चेस्ट, चेस्ट में ठीक है चलो रख ही लेता हूँ। A few minutes later. तो अब लगता नहीं मुझे यहाँ पे कुछ और भी काम का चीज मिलने वाला है, तो चलो अब डायरेक्टली चलते हैं हम लोग उस पे अटैक करने। लेकिन उससे पहले इसे तो हाय हेलो बोल दूं, बहुत देर से ये मुझे दिख रहा है। गाइज ये देखो ये बड़ा क्यूट लग रहा है देखने में, ये तो पोकेमोन जैसा लग रहा है। क्या मैं इसे पेट बना सकता हूँ? आई एम डैम श्योर इसे पेट बनाया जा सकता है, लेकिन अभी नहीं बाद में। तो छोड़ो इन्हें इग्नोर मारते हैं एंड अब चलते हैं इस पे रेड मारने। ओके ओके आलिस बेल, आलिस बेल, बस मुझे जाके इसे फटाफट तोड़ना है। ओ भाई तोड़ दिया, लेकिन ये गंदी गंदी आवाजें कहाँ से आ रही है? अच्छा ऊपर से आ रहा है, मतलब ऊपर भी पंगा होने वाला है। ठीक है लेकिन देख लेता हूँ पहले यहाँ कहीं पे खजाना नहीं ना है। ओहो यहाँ पे ओ माय गॉड खजाना है, मतलब ये खाना वाला खजाना है लेकिन खजाना है। चलो आयरन भी मिल गया, सही है। ये क्या है, फार्मर बेल्ट, पता नहीं क्या होता है, रख लेता हूँ, सब कुछ रख लेता हूँ। चलो भाई मजा आ गया, इस साइड भी ओके भाई, इधर भी खाना खजाना है, चलो ये सब भी रख लेता हूँ। सच्ची बताऊँ तो खाने की तो बहुत जरूरत थी, कितना दिन से मैं भूखा प्यासा इधर उधर भटक रहा था। चलो अब पेट भर गया एंड इधर एक फर्नेस है, ठीक है। तो और कोई इधर हिडन खजाना नहीं है, तो चलो अब ऊपर चलते हैं। ऊपर गंदा पंगा होने वाला है, बापरे कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। मैं ऊपर भाग रहा हूँ भाई भाई भाई, अरे यहाँ पे भी स्पॉनर है, चलो इसे भी फटाक से तोड़ दो। ओ भाई अब बच के रहना यहाँ पे, बस मुझे गोल गोल डानी कितना कितना पानी। यार बच गया मैं, अब बस इसे किसी तरह टपकाना है। भाई मर जाओ प्लीज, जल्दी जल्दी भाई, चलो ये मरा। अरे नहीं नहीं नहीं, एक और फिर से आ गया, लगता है इस बार मैं मरूंगा। देखो भाई मैं एप्पल खा रहा हूँ, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। भाई मुझे बस यहाँ पे किसी तरह सरवाइव करना है। भाग ले पिक बेटे, अरे रुक जाओ हाँ इधर भाग जाता हूँ, इधर मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। चलो भाई ये थोड़ा सेफ स्पॉट मिला है, यहाँ पे मस्त बैठ के हील मारूंगा। चलो हील तो हो गया, अब बस मुझे इस बंदे को टपकाना है। आ जाओ इधर ही आ जाओ। ये लो गाय जैसे मुंह लेके घूमने वाले बंदे, कैसा लगा? ओके ठीक है, इसने मुझ पे कोई पोषण गिरा दिया। अच्छा मेरा पेट खराब हो गया, कोई बात नहीं, मेरे पास एप्पल है, इससे मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो आई थिंक सो मैंने इस फ्लोर पे सभी को टपका दिया है। तो चलो गाइज अब चुपचाप चल के ये खजाना लूटते हैं, देखने दो इधर क्या है। ओ इतने सारे गोल्ड है भाई, सही है, और ऑब्सीडियन भी है, सही है। इसके बदले में मैं क्या फेंक सकता हूँ, ये लेदर हेलमेट फेंक दो। एंड गाइज ये देखो मुझे दो आयरन स्वॉर्ड भी मिल गए हैं। चलो भाई अब इस स्टोन वाले को नहीं यूज करना पड़ेगा। गाइज
यहाँ पे तो मुझे बहुत सारी मस्त मस्त चीजें मिल गई हैं। दिल में मेरा दर्द डिस्को होने लगा है। और ये देखो इधर एक और चेस्ट है, चलो इसमें देखता हूँ क्या है। अच्छा ठीक है, ढेर सारा एप्पल है। इधर एक और स्वॉर्ड है एंड ये देखो एक एक्सप्लोरर मैप भी मिला है। ओके तो मुझे पता चल गया अब मुझे क्या करना है। तो गाइज मैंने सारा खजाना तो लूट लिया। ओके एंड ये देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट रात भी हो गई। तो ऐसा करता हूँ मैं चुपचाप यहाँ से कट लेता हूँ, लेकिन यार इन लोगों के बीच से गुजरना पड़ेगा। अरे भाई ये सभी मिलके मुझे ही घूर रहे हैं, मुझे नीचे नहीं जाना, नीचे पक्का टपकूंगा। लेकिन रिस्क है तो इश्क है एंड मेरे को कोई इश्क नहीं करना है। चुपचाप यहाँ से मैं भाग रहा हूँ। The next morning. तो गाइस पिछला दिन तो बड़ा ज्यादा इंटेंस था, मेरी ऑलमोस्ट फटी गई थी। अरे भाई फटने का नाम लिया और ये आ गया, मतलब माइनक्राफ्ट 2 में भी ये क्रीपर मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास एक ढंग का स्वॉर्ड मिल चुका है, थैंक गॉड। अब बस एक ढंग का आर्मर का इंतजाम करना है मुझे। चलो देखा जाए क्या क्या बनाया जा सकता है। मेरे पास 3 आयरन है और इतने सारे नगेट है, क्राफ्टिंग टेबल ये सब भी है, तो चलो कुछ कुछ देखते हैं। सबसे पहले तो इन सभी नगेट को कन्वर्ट करते हैं आयरन में। ओके 7 आयरन मिल चुका है। क्या मैं एक चेस्ट प्लेट, अरे यार बस एक आयरन इनगेट कम गया, नहीं तो चेस्ट प्लेट बन जाता। कोई बात नहीं गाइस, क्योंकि अभी हम लोग क्राफ्ट करने जा रहे हैं हमारे माइनक्राफ्ट 2 का पहला आयरन पिकैक्स। चलो रे निकलो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके आयरन पिकैक्स हो गया, आयरन स्वॉर्ड हो गया, अब बस मुझे एक आयरन चेस्ट प्लेट बनाना है। ठीक है वो भी बन जाएगा, लेकिन रुक जाओ सबसे पहले तो मुझे इसे चेकआउट करना है, देखते हैं इसमें क्या है। ये देखो मुझे यहाँ पे एक मस्त बिंदास मैप मिला है, चलो देखता हूँ ये मुझे कहाँ पे लेके चलता है। एंड सामने वो क्या है, देखने से तो ये किसी तरह का कुआं लग रहा है। एंड गाइज ये देखो भाई यहाँ पे येल्लो मशरूम का भी है। अरे भाई ये तो ज्यादा ऑसम लग रहा है उस रेड वाले से। बोला ना गाइज मैंने तुम लोगों को ये माइनक्राफ्ट कुछ ज्यादा ही मस्त है। एंड ये देखो शायद ये हमिंग बर्ड है। यस मैंने सही गेस किया था यार, बड़ा मस्त बनाया इन लोगों ने माइनक्राफ्ट 2 को। तो यहाँ पे ये गेट कैसे खुलेगा पता नहीं, छोड़ो चलो ऐसे ही चलते हैं। ओहो रुक जा यहाँ पे कोने में रोमांस चल रहा है। ओके अब भागने से कोई फायदा नहीं, मैंने देख लिया, मैं सबको बता दूंगा। अरे भाई यहाँ पे तो सच्ची में रोमांस चल रहा था, तो चलो नीचे चल के देखते हैं। यार ये कितना नीचे है, क्या ये इन्फिनाइट कुआं है क्या, पता नहीं नीचे क्या है। ओके यहाँ पे आयरन गोलम कहाँ से आ गया एंड इधर, ओ माई गॉड ये किसी तरह का अंडरग्राउंड टाउन लग रहा है मुझे। अरे सच्ची में ऐसा ही है क्या, ये देखो यहाँ पे बीज भी है और प्रिजन भी है और डोर भी है, पता नहीं इधर क्या है। तो यस गाइज ये किसी तरह का अंडरग्राउंड बेस है, ये देखो यहाँ पे सामान ये सब भी रखे हुए हैं। अरे भाई मतलब इसका मतलब खजाना, यस मैंने सही बोला था खजाना मुझे मिल गया। बदले में क्या हटा सकता हूँ, चलो ये गन पाउडर हटा देता हूँ। ओके तो ये तो और मस्त बात हो गई। इधर क्या है, इधर कुछ काम का नहीं है। इस साइड क्या है भाई, रुक जाओ लेकिन ये भूल भुलैया है, कहीं मैं खो ना जाऊं। चलो जो होगा देखा जाएगा, डरते हैं क्या। तो गाइस देखने दो इधर कुछ ग्रीन ग्रीन चमक रहा है, क्या वो एमरल्ड ब्लॉक है। अरे भाई हाँ वो सच्ची में एमरल्ड ब्लॉक लग रहा है, लेकिन क्या उसे लूटना सही रहेगा, आई डोंट नो, लेकिन ट्राई करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इधर कहीं पे कोई ट्रैप ये सब तो नहीं है, मतलब इतना ओपन में ये सारा एमरल्ड ब्लॉक क्यों रखा रहेगा, कुछ तो रीजन होगा, वो तो इन सभी को तोड़ने के बाद ही पता चलेगा। ये देखो एमरल्ड ब्लॉक है, लैपिस ब्लॉक है, चलो सब कुछ ले लेता हूँ, कुछ नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ इस साइड भी एक एमरल्ड ब्लॉक है, चलो इसे भी ले ही लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मिल चुका है हम लोगों को दो दो ब्लॉक ऑफ एमरल्ड एंड कोई ट्रैप भी नहीं था, भाई मजा आ गया। तो और किधर खजाना है, शायद इधर होगा, इधर ढेर सारे बुक्सेल्स पड़े हुए हैं, तो आई गेस इधर एन्चेंटेड बुक्स हो सकते हैं। ये देखो यहाँ पे एक चेस्ट रखा है, तो इसमें मैंने एकदम सही गेस किया था, यहाँ पे एन्चेंटमेंट बुक्स हैं। यार लेकिन मुझे नहीं लगता मैं इसे अभी लेना चाहूंगा, बाद में ले लूंगा। वैसे भी ये अंडरग्राउंड सिटी तो मेरे भिले से कुछ ज्यादा ही नजदीक है, तो यहाँ पे तो आना जाना लगा रहेगा, तो उन सभी को आके मैं बाद में ले लूंगा। सबसे पहले तो अपन को खजाना चाहिए एंड आई फील यहाँ पे मुझे ढेर सारा खजाना मिल सकता है, मतलब ब्लॉक ऑफ एमरल्ड मिल गया तो ब्लॉक ऑफ डायमंड भी तो मिल सकता है। यस ऑफ कोर्स मिल सकता है। ओके शील्ड मिल गया, इधर और क्या है, ओके डायमंड हॉर्स आर्मर मिल गया, भाई ये तो अभी डेफिनेटली चाहिए, गोल्डन वाले को यहीं छोड़ देता हूँ। तो गाइज आई थिंक ये किसी तरह का वॉर रूम है जहाँ पे सारे हथियार रखे जाते हैं, चलो सही है, मुझे बहुत सारा सामान मिल गया। तो कहाँ गया वो शील्ड, मुझे यहाँ पे बस शील्ड लेना है, ना ये वाला नहीं, हाँ ये वाला लेता हूँ। और यहाँ पे एक बो भी है, चलो ये भी ले ही लेता हूँ, कभी ना कभी तो काम आएगा ही। तो अब तुम्हारा इपिक वाइड रेडी हो चुका है फाइट करने के लिए, लेकिन लेकिन
अभी पंगा लेना सही नहीं होगा, अभी तो बस मेरे को खजाना चाहिए। अरे डेडिंड आ गया। कोई बात नहीं, खजाना तो मैं ढूंढ के ही रहूंगा। एंड आई थिंक शायद मैंने खजाना नहीं ढूंढा, यहाँ पे खाना वाला खजाना है। लूटो लूटो लूटो। ओ भाई एक बार में सारा टूट गया। अरे भाई आपको लूटने नहीं बोला था, ये सब मेरे लिए था। यार उस बंदे ने मेरा आधा खाना लूट लिया। वैसे टेक्निकली ये मेरा तो नहीं था, इन्हीं लोगों का था। 3000 years later. Okay, तो इधर एक और रूम मिल गया, चलो देखा जाए यहाँ पे क्या मिलेगा। ओ हो, इधर भी एक चेस्ट। एंड भाई साहब चेस्ट में तो खजाना निकल गया। तो गाइज आज का दिन तो बड़ा मस्त रहा, इतना सारा खजाना मिल गया, इतना सारा आर्मर मिल गया, तो भाई मुझे तो मजा आ गया। आई होप तुम लोगों को भी मजा हो। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।